माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम गौरव है और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से हूँ। सर, इट पेन्स अस टू सी पॉवर्टी इन आवर कंट्री। वी हैव सीन योर एफर्ट्स टू रिमूव पॉवर्टी इन आवर कंट्री। डू यू थिंक वी कैन बिकम पॉवर्टी फ्री इन योर फ्यूचर? हमारे देश में गरीबी को देखकर बहुत दर्द होता है। गरीबी को दूर करने के आपके प्रयासों को हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में हमारा देश गरीबी मुक्त बन सकता है? माननीय, कृपया बताएं। अगर देश तय कर ले कि हमें गरीबी से मुक्त होना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें गरीब नहीं रख सकती है। 125 करोड़ देशवासियों में इतना सामर्थ्य है, अगर उस हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, इसका अगर हम सही ढंग से प्लान करके आगे बढ़े, गरीबी से मुक्ति पाना मुश्किल नहीं है। मैं 4.5 साल के अनुभव से कह सकता हूं, इन दिनों दुनिया में दो चीजें उभर करके आई हैं। एक, दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में भारत नंबर एक है, ये कोई भी भारतीय को गर्व होगा। दूसरा, यूएन समेत बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी का कहना है कि विश्व में भारत पहले नंबर पर है जो तेज गति से गरीबी से बाहर निकल रहा है। बहुत तेज गति से न्यू मिडिल क्लास का बल्क बढ़ रहा है। और उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि भारत का शेड्यूल कास्ट के लोग और भारत के मुसलमान, ये दो लोग इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, वो सबसे तेज गति से गरीबी से बाहर आ रहे हैं। अब किसी ने सोचा था, अब महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आजादी और स्वच्छता दोनों में से मुझे एक पसंद करना होगा तो मैं पहले स्वच्छता पसंद करूंगा। गांधी जी ने बहुत प्रयास किए, आजादी का आंदोलन भी चल रहा था, स्वच्छता के लिए भी बात चलती थी। आजाद होने के बाद हम उस काम को आसानी से आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन वो चलता है, कोई अगर कर ले तो कर ले, न करे तो न करे। मैंने लाल किले से आह्वान किया, देश को आग्रह किया और यह देश अपने प्रयत्नों से स्वच्छता के विषय में आज तेज गति से, संतोषजनक से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर, मैंने हमारे अफसर यहां बैठे हैं, अनंतनाग में थे पहले, शायद वो स्वच्छता का इनाम मेरे हाथ से ले गए थे। बहुत बड़ा काम किया था जी, बहुत बड़ा काम किया था और भारत के देश के लोगों को बड़ा गर्व हुआ था। अब इतना बड़ा काम, आज ओपन डेफिकेशन फ्री जम्मू कश्मीर का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 2014 में हम आए तो हमारे देश में रूरल सैनिटेशन 38% था, आज वो 98% है। ये सिर्फ सरकार के कारण हुआ, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। एक बार देश की जनता ठान लेती है, कैसे परिणाम लाती है, ला पाए हैं। इस देश ने तय किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत लंबे प्रोसेस से हुआ था, लेकिन खाते नहीं खुलते थे गरीबों के। हमने तय किया हर गरीब का खाता खुलना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 2014 में 40% लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज करीब करीब 100% बैंक अकाउंट है। हमारे देश में कुल 25-26 करोड़ परिवार है और मुझे प्राथमिक हिसाब शुरू में मोटा मोटा बताया गया था, क्योंकि राज्य जो आंकड़े देते थे, करीब 4 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जहां बिजली नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है, हर घर में बिजली होनी चाहिए और मुझे खुशी है का जम्मू कश्मीर ने इस काम को पूरा कर दिया है। यानी एक बार हमारा देश तय करे कि इस समस्या से निकलना है, निकलेंगे इस समस्या ने। अब जम्मू कश्मीर ने एक सपना देखा है कि वो टैप वाटर घरों तक देंगे, ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की टोली एक करके रहेगी, यहां की ब्यूरोक्रेसी इसको भी अचीव करके रहेगी। हमारे देश में हमने बस तय करना है, हमने गरीबी से लड़ना है, हमें
और गरीबी से लड़ने का तरीका रेवड़ी बांटने से नहीं होता है, गरीब को एम्पावर करना होता है, उसका सशक्तिकरण करना होता है, उसके भीतर गरीबी को पनाश करने का एक यानी एक प्रकार से मिजाज भर देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वो अगर बीजी की शुभाव उसमें पैदा कर सकते हैं तो वो करेगा। जब हम आवास देते हैं, शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भारत योजना से हेल्थ की बात करते हैं, तो गरीब को भी लगता है कि अब हाँ मेरे दिन आ चुके हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे माँ बाप गरीबी में जिंदगी गुजारी, मैं अपने बच्चों को जिंदगी में गुजार गरीबी में जीने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। ये मैं वातावरण देख रहा हूँ और जिन दिशा में हम चल रहे हैं बहुत तेजी से गरीबी घटती चली जाएगी, गरीबी से मुक्ति मिलती चली जाएगी। और वो दिन होगा जब हम लोगों ने जीवित रहते हुए अपनी आंखों से देखा होगा कि देश गरीबी से मुक्त हुआ है।